नमस्ते प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी है का अन अकेडमी चैनल पर माय नेम में सिद्धार्थ एंड आई टीच लाइफ फॉर एन अकेडमी सो एस टूडेट विल बी टेकिंग क्लास फॉरवर्ड ओके दैट इज द इलेवंथ क्लास एन एंड दिन में जो है क्लास नहीं हो पाई थी आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इशू बिजली नहीं थी दिन में तो क्लास जो है नहीं हो पाई तो मुझे पोस्टपोन करनी पड़ी क्लास ओके तो कैंसिल करने से बेटर तो है इसके पोस्टपोन कर दी जाए एंड प्लीज शेयर द क्लास बिकॉज मैनी पीपल दे मस्ट बी नॉट अवेयर दैट द क्लास इज एपरिंग एट दिसम एट सेवन पी एम शो विल कंटिन्यू ठीक है आज बचो मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ओके okay. वैसे तो हर चीज़ ही हर क्लास में मैं ये बोलता हूँ कि मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूँ बट आज वाकई में जो है आप कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे एक बहुत ही छोटे अंतराल में समय के अंतराल में स्पेशली आई विल टेल यू अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन लास्ट क्लास में आई होप आपको याद होगा हमने फ्राइडे को लास्ट क्लास ली थी तो मैंने आपको उसमें टेम्परेड साइक्लोन पढ़ाया था आज हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन जो साइक्लोन ज़्यादातर इंडिया में इफेक्ट करते हैं जो हमारे ईस्टर्न कोस्ट को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं तबाह कर देते हैं गाँव के गाँव उजाड़ देते हैं तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन जो के और उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है एलेवेंथ चैप्टर ग्यारहवा चैप्टर आई थिंक है उसको भी हम आज जो है ओपन करेंगे और उसमें भी जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू रेपोरेशन कंडेंसेशन ह्यूमिडिटी खास तौर पर जिसमें अब आपको दिक्कत आती है मुझे पता है अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं ठीक है सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू लैग हो रहा है एक बार चेक कर लीजिए यार आज पता नहीं क्या हो रहा है लाइट भी नहीं आ रही है नेट भी जा रहा है बार बार लाइट भी आज पाँच छः घंटे बाद आई ऐसा होता नहीं है यहाँ पर ठीक है तो आप गई इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ हो सो यू कैन जस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फर्स्ट ऑफ़ ऑल दट इज दिड यू पी जो मेरा चैनल है आपका चैनल है हमारा चैनल है यहाँ पर मैं इसकी पी आपको देता हूँ और तमाम जानकारी इंपॉर्टेंट सूचनाएँ आपको यहाँ मिलेंगी सारी सीड यू पी टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर लीजिए आप आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी जुड़ सकते हो अगर आप अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हो ओके यू की तो आप गई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन अभी बचो डिस्काउंट चल रहा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ का तो सीधा सीधा आप मेरा कोड लगा सकते हो और आप जो है ग्यारह हजार रुपये से लेके कर तेईस हज़ार रुपये तक की बचत कर सकते हो ठीक है आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे और प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे आर यू गेटिंग इट सो आइकॉनिक कॉम्बो इज लिटिल बट यू नो इट्स एलीट इसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं लाइक like, मेन्स का टेस्ट सीरीज एक एन uh, अकेडमी की तरफ से मिनट आपको मिलता है पर्सनल गाइडेंस वगैरह कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ठीक है प्लस में स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं तो जो भी आपको सही लगे मैं किसी पे भी यू नो टिल्ट नहीं करूँगा आपको यहाँ पर बट हाँ मैं आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पर बच्चों जरूर टिल्ट करूंगा कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिएगा डेढ़ साल का या दो साल का लीजिएगा कोड लगाइएगा सेड यूपीएससी ताकि आपको जो है ये सारे बेनिफिट्स मिल पाएं जो और किसी भी कोड से नहीं मिलते हैं अश्योर्ड टेलीफोनिक मेंटरिंग एंड गाइडेंस बाय मी पर्सनली आपको वन टू वन पर्सनल नंबर पे मेरे जो है मेंटरिंग मिलेगी कोई जूम कॉल पे नहीं कोई वीडियो कॉल पे नहीं कोई यू नो इधर उधर नहीं पर्सनली आपकी यू you नो know, जरूरत के हिसाब से कमी के हिसाब से एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं क्लास इसी बात पे, दैट इज़ थिंग, ऑल इन वन बुक ऐसी कोई नहीं है यार ओके ऑल इन वन कोई टीचर भी नहीं है क्या डाउट आ गया आपको टेम्परेट साइक्लोन? में अभी अभी मत ज्यादा पढ़ो उसको जब आप मेन जोग्रफी पढ़ोगे तो उसमें समझाएंगे अच्छे से थोड़ा आइडिया लग गया काफ़ी है ठीक है गुड इवनिंग हर्षता राहुल विपुल निकता एजुकेशन टाइम गौरी रही अंजू राहुल्यूचर आई एस ऑल राइट गुड इवनिंग निकिता सोनम जय वेरी वेरी गुड इवनिंग हेलो वरिषा कैसे हैं आप ठीक है तो बच्चों स्टार्ट करते हैं टेंथ चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इसका लास्ट एक पार्ट बचा हुआ है ट्रॉपिकल साइक्लोन और वो पार्ट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया पे जो हमारा ईस्ट कोस्ट है यहां पे बच्चों ये साइक्लोन बहुत अटैक करते हैं ये वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ठीक है तो टेम्परेट साइक्लोन के तो बनने का तरीका हमने देखा था वो तो एकदम अलग है ठीक है वो तो एकदम अलग है विद रिस्पेक्ट टू दीज साइक्स दोज आर ऑल टूगेदर डिफरेंट थिंग वी ऑलरेडी स्टडीड द टेम्परेट साइक्लोन इन द लास्ट क्लास एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग ठीक है तो पूछ लीजिए तो ये सब हम कर चुके हैं कंप्लीट हो जाएगा था, मैं पी पीडीएफ ए भेज दूंगा इसका फोर ऑल इज फोर्स एंड ऑल दीज प्लानी थ्री टाइप्स ऑफ सेल प्रेशर बेल्ट एवरी थिंगी स्टडीड ओके एंड एनी प्रॉब्लम इन दीस इन दीज टॉपिक सॉल्व थी नास्क में लीनो लालीना सब हमने पढ़ लिया है लोकल विंड सब मैंने वो पढ़ा दिया है ये एयर मासिस खासतौर पर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रंट्स हमने का पढ़ा था और इसी के साथ हमने फिर आपके टेम्परेट साइक्लोन्स भी पढ़े थे जिनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहा जाता है तो इसमें गई यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए आज उठाते हैं अपना नया सब्जेक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक है अगर बोचो टेम्परेट साइक्लोन आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो आपको क्लास में और अच्छा मजा आएगा इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने में तब तो आपको पता चलेगा कैसे ये सिस्टम होने को ये साइक्लोन्स ही बट कैसे ये दोनों एक दूसरे से कितने तरह से दे आर बहुत यू नो डिफरेंट फ्रॉम ईच अद बहुत टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स ऑल टूगेदर दे आर साइक्लोन्स ओनली बट दे आर टोटली डिफरेंट इन कॉन्टेक्सट ऑफ दे आर यू नो जेनेसिस कैसे बनते हैं यू नो बिहेवियर एवरी थिंग इज डिफरेंट तो टेम्परेट हमने पढ़ लिया अब हम पढ़ते हैं टॉपिकल ठीक है सो दैट इज अ थिंग ओके गुड इवनिंग वंशिका सर लास्ट ओमान में जो साइक्लोन आया था वो किस यार जितने भी साइक्लोन सब बच्चों से ये को बताना चाहूंगा मैं बच्चों जितने भी साइक्लोन ये इक्वेटर है ना इस इक्वेटर के आसपास आते हैं इस एरिया में ठीक है ये सारे साइक्लोन बच्चों ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इनको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहते हैं यहां पे कभी भी टेम्परेड साइक्लोन नहीं आएगा बच्चों क्योंकि साइक्लोन का नाम ही मतलब उसकी जगह से रिलेटेड है वो एरियाज में आएगा हमेशा ये जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं ऊपर के यूरोप वगैरह इन लैटिट्यूड्स पे आएंगे टेम्परेड साइक्लोन उसकी नाम में ही छुपा हुआ है उसका काम आधा तो ओके टेम्परेड साइक्लोन विल नेवर कम इन दस इन दिस रीजन इक्वेटोरियल के पास कभी नहीं आएंगे वो कभी बन ही नहीं सकते हैं वो क्योंकि मैंने उसके बनने का तरीका आपको बताया था दैट रिक्वायर्स यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरी हॉट एंड वॉर्म एयर जो कि यहाँ संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे गर्म ही हवा होती है बस यहाँ ठंडी हवा नहीं होती है और टेम्परेट साइक्लोन इसलिए बनते हैं गर्म और ठंडी हवा जहाँ मिलती है वो यहाँ मिलती है ठीक है दोनों एक दूसरे में आकर टकराती हैं सो ओके सो दैट इज अ वन बेसिक डिफरेंस ओके अब बच्चों में हैं आज तो, okay, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिकल एरियाज में बनते हैं मतलब ट्रॉपिकल मतलब जो 30 डिग्री लैटिट्यूड जो है 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड है इसके बीच में ठीक है इनको बच्चों साइक्लोन बोला जाता है इंडियन ओशन के अंदर इनको हरिकेन बोला जाता है एटलांटिक के अंदर इनको टाइफून्स बोला जाता है पैसिफिक के अंदर साउथ चाइना सी के अंदर और विली विली बोला जाता है इनको याद रखिएगा वाला नाम इन ऑस्ट्रेलिया समझ गए ट्रॉपिकल साइक्लोन के भी ओके अलग अलग नाम है ठीक है तो जगह के हिसाब से यहां पर हमने लिख दिए है वो ठीक है अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो बहुत ही वॉयलेंट सिस्टम होते हैं बहुत ही उग्र मतलब वॉयेंट सि बदमाश टाइप शैतान ओके उस तरह के सिस्टम होते हैं क्योंकि हिला देते हैं ये, ये ऐसा हाल कर देते हैं किसी जगह का इस तरह का ये जो आपको दिख रहा है ना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन आया होगा यहाँ पर ये कोई तटीय इलाका है ठीक है कोस्टल एरिया एंड इट हैज कंप्लीटली डिस्ट्रॉइड द इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हमें पढ़ते हुए दैट वी नीड टू मेक डिजास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका डिजास्टर्स भी कुछ बिगाड़ ना पाए ठीक है तो मतलब बच्चों हमें पक्के मकान बनाने चाहिए मजबूत जो नींव हो जिनकी अच्छा मटीरियल हो जिनमें ठीक है अच्छे हाइट पे लोकेटेड हो तो वो होता है डिजास्टर रसीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है शो दिस इज हेर वी कैन सी हाउ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन हैज डिस्ट्रक्टेड अ प्लेस तो बच्चों बहुत ही वॉयेंट सिस्टम होते हैं ये देखिए आपको ये आ रहा छोटा सा तो ये पूरा ये डिस्ट्रॉय कर देगा इस जगह को यहीं पे ज्यादातर हमारे साइक्लोन आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कोस्ट को इफेक्ट करते हैं और ये साइक्लोन भी जो है ये तबाह कर रहा है अभी ऑस्ट्रे आपके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और बच्चों ये साइक्लोन बहुत ही जाना माना साइक्लोन है जिसका नाम आपने शायद सुना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हो ये बच्चों फानी साइक्लोन है ठीक है ये फानी साइक्लोन आया था ठीक है इंडिया पे अटैक किया था उसने ये फानी साइक्लोन की एक्चुअल तस्वीर है सेटेलाइट इमेज है ये तो देख लीजिए आप ठीक है अब गई हम ये पढ़ते सम, अब ये हम पढ़ेंगे कि ये बनते कैसे हैं ठीक है टेम्परेट साइक्लोन हमने पढ़ा कैसे बनते हैं वो लैंड पे भी बन सकते हैं वो सी पे भी बन सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बचो लेकिन सिर्फ समुन्द्र में बनते हैं ये ये समुन्द्र में बनते हैं मेच्योर होते हैं बड़े होते हैं और फिर ये लैंड की तरफ बढ़ते हैं ठीक है और लैंड पे टकराकर ये जो है भारी तबाही मचाते हैं और वही इनका डेड साइक्लोन का में अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है तो टेम्परेट साइक्लोन खत्म हो जाएगा ऐसी ट्रॉपिकल साइक्लोन तब खत्म होते हैं आज आज दे हिट द लैंड लैंड को हिट करते ही ये खत्म होना होना चालू कर देते हैं ओके लेकिन इस दौरान भी ये कोस्टल इलाकों के अंदर तबाही तो मचा ही देते हैं ये अंदर नहीं आ पाते ज्यादा बट कोस्टल इलाकों में जो तो तबाही मचा देते हैं अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर लैंड पर ऐसा क्या इनका जो है दुश्मन बैठा हुआ है लैंड पर, के ऊपर कि लैंड पे आती जो है इनकी जो है सारी हवा निकल जाती है तो भाई वो आपको समझ में तब आएगा जब आप ये समझोगे कि बनते कैसे ठीक है तो अब हम चलते हैं इनके बनने की प्रक्रिया पे ठीक है ऑल तो कुछ बातें हैं जो चाहिए जो जो यू नो you know, जैसे पनीर की सब्ज़ी बनानी कढ़ाई पनीर तो कुछ सामान तो लगेगा ही फिर पनीर हो गई शिमला मिर्च हो गई और क्या क्या डलता है प्याज हो गया हरी मिर्च हो गई वॉट एवर धन हरा धनिया तो वह जो ये सब चीज़ें तो लगेगी बनने में तो ये सब चीज़ें इसके लिए यू नो ज़रूरत है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए ऑल दीज थिंग्स ओके विच आर रिटन एयर आई विल टेल यू ऑल्सो वॉट आर ऑल दीज थिंग्स ओके फ्रंट्स कुछ नहीं होते जहां पर ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है वो फ्रंट बन जाता है ठीक है उसके दौरान जो है साइक्लोन बन जाते हैं ट्रॉप टेम्परेट साइक्लोन्स ठीक है ठीक है बच्चों तो गई टेम्परेट साइक्लोन बनने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें समुंदर चाहिए हमको लैंड पे नहीं बना सकते ये लैंड पे बनते ही नहीं है ठीक है समुन्दर चाहिए जिसका टेम्परेचर जो है आपके यू नो सत्ताईस डिग्री सेल्सियस हो या उससे ज्यादा हो मतलब अट्ठाईस तो भी चलेगा 2900 सौ तो भी चलेगा तीस तो भी चलेगा बट इतना ज्यादा होता नहीं समुद्र में पानी ज्यादा टेम्परेचर का अंतर आता नहीं है सत्ताईस डिग्री तो टेम्परेचर हमको चाहिए ही ठीक है सेवन ट्वेंटी सेवन डिग्री या उससे ज्यादा ठीक है अगर बच्चों लो प्रेशर वॉटेक्स यहां पर कोई एग्जिस्ट करती है मान लीजिए यहां पर कोई आइलैंड है छोटा सा ठीक है तो आइलैंड क्या होगा ये समुद्र के बीच में ये सूरज की गर्मी से बहुत ज्यादा जो है आपके गर्म हो जाएगा ठीक है तो यहां पर क्या है अपर कन्वेक्शन चालू कर देंगे ओके इसे बच्चों हम कहते हैं लो प्रेशर वॉरटेक्स ठीक है ये लो प्रेशर वॉरटेक्स मिल गई इसको अब ये सिस्टम बच्चों आगे उठ चला जाएगा समुन्दर के अंदर ठीक है ये सिस्टम आगे उठ गया इसकी जो अपर कन्वेक्शन हो रहे थे ये जो है इधर छोने लग गए साइड में खसक गए और जो है सूरज की गर्मी जो है, जो है जोर से पड़ रही है ठीक है और इसकी वजह से बच्चों क्या होता है और समुन्दर का पानी जो है भाप बन के ऊपर उठने लगता है समझ रहे हो आप ऊपर उठने लगता है ठीक है तो एक कंडीशन हमने देखी कि 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए लो प्रेशर वॉटिक्स अगर हो जाए कुछ आईलैंड वाइलैंड मिल जाए ऐसा तो बहुत अच्छी बात है वरना अगर आइलैंड नहीं है तो समुन्द्र पे भी समुन्द्र के सरफेस पे भी परिस्थिति बन सकती है कि अपड्राफ्ट जो हो रहे हैं हवा जो उठ रही है गर्म है बहुत तेजी से और रैपिडली जो है उठ रही है ठीक है ओके कोरियोलिस फोर्स की बच्चों उनको जरूरत होती है इसलिए कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा जीवन में कि इक्वेटर के ऊपर कभी भी प्रॉपिकल साइक्लोन नहीं आता क्योंकि बच्चों कुरियोलिस फोर्स की वैल्यू जो होती है इक्वेटर पे वो जीरो होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन बच्चों पांच डिग्री ये जो लाइन है ना ये लैटिट्यूड जो है ये पांच डिग्री नॉर्थ और पांच डिग्री साउथ इसमें कभी भी नहीं आएगा इसमें कभी भी नहीं आएगा क्योंकि वहां पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू जो होती है जीरो होती है और बच्चों ट्रॉपिकल साइक्लोन को घुमाने के लिए वो जो उसमें साइक्लोन का इफेक्ट डालने के लिए ठीक है ओके okay, जैसे सब्जी में जो है मजा लाना है तो मसाला ज्यादा डालना पड़ेगा तो बच्चों मसाले के लिए कोरियोलिस फोर्स को बहुत जरूरी है ये इस बेबी साइक्लोन को जो है घुमाने का जो काम है जो चक्रवात जो बनाता है वो फोर्स से ही यू नो इसमें जो है जान आती है और ये जो एयर है जो ऊपर उठ रही है गर्म हवा गर्म हवा ऊपर उठ रही है पानी ले जा रही है भाप बनाकर बहुत सारा अपने वो बच्चों घूमने लग जाती है चारों तरफ ओके एक लो प्रेशर के एक्सेस के अराउंड वो जो है घूमने लग जाती है ठीक है अब ऐसा गईज जो है नॉर्मली होता ही रहता है समुन्द्र के ऊपर ऐसा नॉर्मली होता ही रहता है क्योंकि अब गर्मी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ऐसा सिस्टम जनरेट हो जाता है लो प्रेशर सिस्टम जो है जनरेट हो जाता है ठीक है कभी कभार लेकिन कभी कभार गईज ये सारी परिस्थितियाँ मौजूद हैं लेकिन हो सकता है कोई हवा इधर उधर से आ गई और उसने सब कुछ बिगाड़ दिया साइक्लोन पूरा जो बन रहा था उसको बिगाड़ दिया लेकिन कभी कभार बच्चों ऐसी सिचुएशन आती है कि बच्चों सिचुएशन जो है ये वाली और फर्दर जो है बढ़ जाती है एग्जीगेट हो जाती है और ये जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन का शक्ल ले लेता है ठीक है ये डायग्राम आपकी एनसीआरटी के अंदर है ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग डायग्राम है ये ठीक है इसलिए हम इस डायग्राम को बाद में आएंगे हम पहले इजी डायग्राम समझेंगे ये वाला इजी डायग्राम हम देखेंगे ठीक है अब गई कई बार बच्चों क्या होता है ये जो चीजें मैंने आपको बताई ये सारी चीजें हो रही हैं ये चीजें बच्चों रैपिड स्केल पे होना चालू हो जाती हैं और कंटिन्यूस जो है होना चालू जाती है क्या होना चालू जाती है कि गर्म हवा बच्चों यहां से उठ रही है ऊपर ठीक है ऊपर चली जाती है ऊपर जाकर ये बहुत ठंडी हो जाती है और ट्रोपोपाउस हो जाता है तो ये हवा इधर मुड़ जाती है इधर मुड़ जाती है ठीक है गर्म हवा नीचे से उठ रही है ऊपर चलेगी ऊपर चलेगी ऊपर चलेगी लेकिन ऊपर जाकर तो ठंडी हो ही जाएगी क्योंकि वहां पे तो इतना टेम्परेचर है नहीं तो ये इधर मुड़ जाएगी फिर ठीक है इधर मुड़ जाएगी इधर मुड़ जाएगी ठीक है इधर जाने के बाद काफी बच्चों ठंडी हो जाती है और दोबारा नीचे जो है गिरने लग जाती है ठीक है गिरने लगी और फिर ये इधर जो है आ जाएगी सरफेस पे और फिर इसमें मिल जाएगी ऐसे ही बच्चों एक बहुत ओके okay, बड़ा सिस्टम जो है सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम हम ये कह सकते हैं इसको सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जो है जनरेट हो जाता है देखते 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 ही ओके okay, हवा उठी इधर ऊपर गई आधी इधर गई आधी उधर गई ठंडी हुई इधर गिरी इसमें मिली और बचो इस पूरा इंजन जो है जो कई बार वन मालते ना बाइक पे किक पर होती नहीं है स्टार्ट ठीक है फिर किक मारते हैं फिर नहीं होती है लेकिन तीसरी चौथी बार फिर वो स्टार्ट हो जाती है तो बचो जैसे ये बच्चो साइकिल चेन साइकिल बनता है सिस्टम जनरेट होता है ठीक है तो बचो ये अब जो है साइक्लोन जो है अब बड़ा होने लग जाता है अब इसका जो है इंजन स्टार्ट हो गया अब इसमें रेस आप दो और तो और बड़ा हो जाएगा ये ये ठीक है है ओके तो ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है इस तरह से बनता है ठीक है है इसके अंदर बच्चों एक अब बात होती है जो टेम्परेट साइक्लोन्स में नहीं देखी थी हमने ये जो आय होती है इसमें आय इसके अंदर बच्चों हाई प्रेशर होता है ठीक है इसमें हवा सिंक कर रही होती है ये लाल रंग से मैं आपको अलग से बना रहा हूं कंफ्यूज मत होइएगा ये बात रखिएगा आप याद ठीक है आई जो होती है बिल्कुल सेंटर का पार्ट जो होता है बच्चो कंपनसेटरी एयर जो है गिरती भी है क्योंकि जितनी भी एयर ऊपर जाती है उसमें से अधिक अधिकतर तो जो है इधर चली गई अधिकतर इधर चली गई कुछ एयर बच्चों वापस भी गिर जाती है सेम इस, इसी जगह पे ठीक है इसलिए जो है ए, आई पे जो है बच्चों काम कंडीशन होगी और हाई प्रेशर होगा ठीक है आई जो है ये आंख कहते हैं साइक्लोन की आंख पे जो है काम कंडीशन होगी लेकिन बच्चों जो आई वॉल है ये जो आई वॉल है इसे कहते हैं हम आई वॉल आई वॉल डब्लू एब्लू ए, डब, ए डबल एल आई वॉल के अराउंड बच्चों बहुत ही बहुत ही खतरनाक कंडीशन यहाँ पर डेवलप होती है जैसे कि धुआं धार बारिश बादलों का गरजना आंधी तूफान डिस्ट्रक्शन मतलब समझ रहे हो आप पूरा डिस्ट्रक्टिव सिस्टम ये बन चुका है अब छोटा सा बेबी साइक्लोन था छोटे से जो एक छोटा सा सिस्टम था जिसमें भाप जो है ऊपर उठ रही थी इस छोटे से सिस्टम से बना था और ये बेबी साइक्लोन जो है अब बच्चों मेच्योर हो चुका है ओके अब हो चुका है अब गैस जिस भी हवा ओके डायरेक्शन में ले जाएगी इसको जिस भी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में ये चल पड़ेगा और जहां भी बच्चों जितना दूर ये चलेगा जितना समुन्द्र में दूर ये चलेगा उतनी ही एनर्जी इसमें और आती रहेगी क्योंकि बच्चों एनर्जी जो आती है साइक्लोन में बेसिकली वो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से आती है तो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है जब बच्चों पानी यहाँ से ऊपर उठता है तब वो गैस के फॉर्म में होता है ओके भाप के फॉर्म में होता है पानी जब यहाँ पे होता है तो बच्चों भाप जो है कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में समझ रहे हो आप उससे एनर्जी रिलीज होती है और बच्चों यही एनर्जी साइक्लोन को ताकत देती है और बड़ा होने की और बड़ा होने की और बच्चों बड़ा होता रहता है ये आगे जो है बढ़ता रहता है अब जो भी इसके आगे आएगा चाहे वो इंडोनेशिया हो चाहे वो साउथ चाइना सी का जो कोस्टल इलाका हो सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन बाय द वे आपको बता देता मैं साउथ चाइना सी में आते हैं बच्चों साउथ चाइना सी में आते हैं सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओके उसके बाद गई सिस्टम पूरा बन चुका है अब क्या होगा क्या हो रहा है भाप और एयर जो है गर्म हवा उठती जा रही है और गर्म हवा जो है लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन सप्लाई करती जा रही है ऊपर साइक्लोन और भारी होता जा रहा है और जो है भीमकाय होता जा रहा है और ये बढ़ रहा है लैंड के आगे अब बचो जहां भी ये टकराएगा वहां सब मिट्टी में मिल जाएगा यही इसका जो है फ्यूचर है और ये साइक्लोन का भी फ्यूचर है कि जहां ये टकराएगा वहां ये खुद भी मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि बच्चों अब क्या होता है जैसे ही मान लीजिए आप ये बच्चों लैंड है ये लक्ष्मण रेखा है इसके लिए ठीक है ये लैंड है जमीन है ये ठीक है अभी तक ये समुन्द्र पे चल रहा था अब तक ये समुन्द्र पे चल रहा था तो इसको नीचे से जो है बढ़िया लैटेंट हीट मिल रही थी खाना पीना मिल रहा था बढ़िया समुन्दर की जो गर्मी थी जो भाप थी पानी था उससे इसको बड़ी एनर्जी मिल रही थी अब जैसे ही बच्चों ये यहां से इधर आएगा समझ रहे हो जैसे ही सी से ये लैंड पे आएगा इसका जो सप्लाई ऑफ मॉइस्चर जो नीचे से हो रहा था जो नीचे से इसको सारा जो है रसद मिल रही थी नीचे से इसको सारी जो भाप मिल रही थी वो कट ऑफ हो जाएगी और बस फ्यूल ख़त्म पेट्रोल ख़त्म मोटरसाइकिल में तो मोटरसाइकिल तो क्या होगी बंद बंद हो जाएगा सिस्टम जो है डिसिपेट हो जाएगा ठीक है ऑफ द साइक्लोन लेकिन गाई तब तक डिसिपेटेड होते होते मोटरसाइकिल तो भी वो अस्सी चल रही है और बंद हो गई एकदम से तो भी कुछ फासलातों को तय कर ही लेती है तो बचो ऐसे ये कुछ फासला तो तय कर ही लेगा और उस दौरान इस पूरे इलाके को ये यू नो काफ़ी डैमेज करता है ठीक है ओके okay, काफी डैमेज करता है दिस इज द स्टोरी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ओके किसी को ना समझ में आई हो तो प्लीज पूछिए ओके एनसीआरडी का डायग्राम भी ये कह रहा है देखो आय वॉल है ये यहां पे सबसे ज्यादा तबाही होती है बच्चों इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही होती है ये आई है ठीक है ओके ये आए है ऑल राइट right, ये आई वॉल है ठीक है और ये बाहर गिर के यहां पर हो रहा है ठीक है और सिस्टम जो है यहां पे बना हुआ है ठीक है ये यहाँ पर हैं ये प्रेशर बता रहे हैं तो लो प्रेशर होगा अंदर की साइड बाहर की साइड जाओगे तो हा हाई प्रेशर होगा ठीक है ओके तो बच्चो आई के अंदर याद रखना एक बात आई के अंदर जो आई होती है आंख होती है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में वहां बच्चों सबसाइड करेगी एयर एयर जो है सबसाइड करेगी गिरेगी इसलिए हाई प्रेशर रहेगा काम कंडीशंस रहेगी कई बार कई प्रॉब्लम वगैरह या कई टेस्ट सीरीज में सवाल आ चुका है कि आई के अराउंड जो है काम कंडीशन रहती है या नहीं रहती है टाइप तो लोग सोचते हैं आई तो मतलब सेंटर है हो गया ओके साइकिल को तो वहां तो सबसे ज्यादा खतरनाक कंडीशन रहेंगी लेकिन बच्चों यहाँ पर काम कंडीशन रहती हैं ओके तो रिमेंबर दिस थिंग ओके बाकी इसके अराउंड जो है ये पूरा डिस्ट्रक्टिव जोन है सारा का सारा ठीक है पूरा जो है डिस्ट्रक्टिव जोन है समझ गए आप कोई दिक्कत कोई समस्या तो पूछिए मुझसे वरना जो है अपन आगे बढ़ते हैं ओके गुड इवनिंग मोटिवेशन आई वॉल यस गुड इवनिंग शिवांगी लेट हो गए आप गुड इवनिंग अखिलेश यादव ठीक है बच्चों को दिक्कत तो पूछिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी भी मैंने आपको ये एनसीईआरटी लेवल से दो कदम ऊपर पढ़ाया है ठीक है लेकिन मैं फिर ये कहूंगा अभी और इसमें वैल्यू एडिशन की जरूरत है इफ यू सी द लेवल ऑफ द यूपीएससी ठीक है बट आप आराम से अब जो है हाई लेवल का भी समझ जाओगे क्योंकि बेसिक पर यही है ठीक है, बेसिक जो है वो यही है एनसीआरटी में जो डायग्राम है सबसे पहले तो बच्चों होता है तो बहुत आंधी तूफान आती है आंधी तूफान में क्या होता है पेड़ वेड़ गिर जाते हैं छतवा तोड़ जाती है बेचारे गरीब लोगों के जो मकान होते हैं वैसे कच्चे मकान होते हैं ठीक है तो पहला तो ये हवा हवा जो होती है विंड स्पीड ढाई सौ गाइज यू बिलीव 250 बच्चों किलोमीटर पर आवर तक स्पीड जो है रिकॉर्ड हो चुकी है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे ठीक है बहुत ही इंटेंस सिस्टम होते हैं तो हवा से डैमेज हो रहा है तो ठीक है दूसरा डैमेज होता है बच्चों बहुत भयंकर बारिश भी लेके आते हैं अपने साथ में ये. दबा के तावड़ तोड़ जो है बारिश होती है वो बारिश होती है तो उससे फ्लडिंग हो जाती है फिर फ्लड आ जाता है बाढ़ आ जाती है तो दूसरा दिक्कत ये हो जाती है तीसरी वचो प्रॉब्लम क्या करते हैं ये बहुत भयंकर अपने साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अपने साथ ये सर्जेस लाते हैं ठीक है सर्ज लाते हैं मतलब UH! समझ रहे हो स्ट्रॉन्ट्रॉम सर्जेस मतलब क्योंकि तेज हवा के साथ ये अटैक करते हैं लैंड पे तो वो अपने साथ बहुत सारा पानी जो है ये लेके आते हैं समुंदर का पानी भी कई बार जो है लैंड में या रिहायशी इलाकों के अंदर ले आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉम सर्जेस ठीक है स्टॉम की वजह से सर्ज हो गई लहरें समुंदर की तो तीन तरह से बेसिकली डिस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्शन मचाते हैं ये और ये तीनों ही तरह जो बातें हैं वो आपको पता ह्यूमन ह्यूमंस के लिए ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए जो है प्रॉब्लमैटिक हो सकती है ठीक है सो यू कैन सी हेयर हाउ इज ओके वर्किंग ठीक है ठीक है तो टेम्परेट तो साइक्लोन में बच्चों हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि वो को बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं तो वर द माइल्डर सिस्टम्स यू कैन से ओके दे आर मोर एक्सटेंसिव जैसे ये तो छोटा सा है तो इतना सा इलाके को घेरा हुआ है वो टेम्परेड साइक्लोन होते हैं हजारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर घेरते हैं वो मतलब पूरा यूरोप घेर लेंगे इतने बड़े बड़े होते हैं वो ये कितनी लाइफ होती है इनकी पाँच दिन छः दिन सात दिन आठ दिन आठ दिन में पहुंच ही जाते हैं ये दस दिन में पहुंच ही जाते हैं आपके मैक्सिमम बता रहा हूं ओके लैंड पे और लैंड पे आती जो है ये डेथ जाती है इनकी. Temperate cyclone महीनों महीनों तक जो है तो है, है हल, दीरे -दीरे जो है 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 रहते हैं। वो वो। वो समझो। उनके अंदर धीरे धीरे एयर मिलती है घुलती है करती है। ये वॉयलेंट सिस्टम है system है। लोकलाइज इनका इंपैक्ट जो है लोकलाइज है इसी एरिया इंपैक्ट ज्यादा रहेगा इसका। उनका इंपैक्ट रहता है बड़े एरिया पे ठीक है ये एक सुई है पिन है जैसे ये इसकी आप चुबाओगे तो दर्द ज्यादा होगा ना पॉइंटेड है ये फोकस्ड ओके okay? अब ये है इसको रख दो दबा दो कुछ भी नहीं हो रहा क्यों क्योंकि प्रेशर जो है फैल गया एरिया जो है बढ़ गया ये एरिया जो है पॉइंटेड है दर्द ज्यादा होगा तो बच्चों पॉइंटेड इफेक्ट है इसका टेम्परेटर में क्या होता है फैल जाता है उसका इफेक्ट एरिया कवर ज्यादा करता है वो डिस्ट्रक्शन कम मचाता है ठीक है बल्कि बढ़िया भी रहता है उससे जो है टेम्परेट इलाकों में स्टेप के जो इलाके हैं यूक्रेन वगैरह रशिया वगैरह वहां पे बारिश वारिश होती रहती है हल्की हल्की मध्यम मध्यम बारिश तो क्रॉपिंग के लिए बहुत फायदेमंद होती है ये तो बोझो हर चीज के लिए बेकार है ठीक है ये तो आप क्रॉपिंग होगी उसको भी उखाड़ उखाड़ देगा ये पानी वानी मिला देगा समुंदर का उसमें दिस इज नॉट डिजायर्ड एट ऑल ऑल राइट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेट ठीक है मुझे दोनों एक साथ पढ़ाने चाहिए आपको बट कोई नहीं पुरानी वाली क्लास में जो नाइनटीन नंबर की है शायद ये वाली जो भी है इससे पुरानी वाली तो उसमें मैंने ये पढ़ा है अच्छे से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन तो वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक है ओके तो बच्चो ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इलाका ठीक है ये सॉरी टेम्परेट साइक्लोन्स का इलाका जो है ये टेम्परेट साइक्लोन्स का इलाका है और ये जो इलाका है बच्चों ये आपके जो है ये जो इलाका है दिस एरिया इज ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ठीक है ट्रॉपिकल साइक्लोन समझ में आया आपके ठीक है तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पर आपके करते हैं अटैक विली विली ठीक है कोई दिक्कत तो पूछिए ओके आप आपको टोरोनाडो और थंडर स्टॉम भी थोड़ा सा आइडिया दे, दे देते हैं क्या होते हैं ये वैसे दे आर जस्ट लाइन वन वन लाइन इज गिवन इन द एनसीआर बट आई विल टेल यू लिटिल बिट एक्स्ट्रा सो दैट यू कैन एटलीस्ट यू नो विजुअलाइज वॉट इट इज ऑल अबाउट ठीक है सो so, कोई दिक्कत यहां तक तो पूछ लीजिए वीडियो ब्लर है तो आप अपनी वो सेटिंग बढ़ा लीजिए सर आई रियली अप्रिशिएट यूर वेरी वाई आर यूर योर मैच इज वेरी वाइड चलो मैं आपकी समझ तो नहीं पाया क्या कह रहे हो आप शालू पर मैं भावना आपकी समझ गया थैंक यू वेरी मच ठीक है थैंक यू ठीक है तो बचो टोर्नाडो और जो है इसके बाद हम ये चैप्टर भी पढ़ना है बचो मैं ये भी कवर करना है स्टार्ट करना है क्योंकि मुझे ये एनसीईआरटी सी आर चलाते चलाते आप मतलब बीस दिन हो जाएंगे तो उसको जो है हमें आज बीसवा दिन से है सेंसीआर टी का तो हमें पच्चीसवें दिन पे इसको खत्म करना है ठीक है तो ये चैप्टर भी हम पढ़ेंगे आज अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आज तो ह्यूमिडिटी वगैरह ठीक है तो ये एक बार थोड़ा सा बता दूँगा थंडर स्टॉम और टोर्डो ठीक है वो जो कई बार क्या होता है अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो या आप चलो साउथ इंडिया में भी हो कई बार अगर आप समुद्र के आसपास नहीं हो कहीं पर कहीं इंटीरियर में हो लैंड में और अप्रैल मई का महीना है ठीक है मई का महीना है और मई का महीना है बच्चों ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है भयंकर गर्मी पड़ रही है मई के महीने में और मई के महीने में क्या हुआ और आप जो है पढ़ाई कर रहे हो और अचानक से क्या होता है हवा हवा तेज़ आंधी वाँधी जो है चलने लग जाती है लू धूल दुण, मिट्टी जो है गर्म वो चलने लग जाती है और बाहर जाते हो आप देखने कि यार ये क्या हो रहा है ओके कपड़े वपड़े कुछ हैं तो ले उठाओ उनको फिर आप जो है देखते हो कि यार उस तरफ से या इस तरफ से या पीछे की तरफ से या इस तरफ से काले बादल आ रहे हैं एकदम ठीक है काले बादल घनघोर बादल आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है भयंकर ही बारिश हो जाएगी मतलब सब सब तबाह बर्बाद हो जाएगा आज तो, तो, तो बिजली की बिजली कड़क रही है धीरे धीरे जो है गर्म हवा जो हो रही होती है वो ठंडी हवा में तब्दील हो जाती है और बिजली बिजली की आवाज़ें सुनाई देने लगती है वो खड़गड़ -गर, बादल गरजते हैं और सिस्टम जो है पूरा आपकी तरफ मूव कर रहा होता है वो ठीक है और धीरे धीरे बचो बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी आपकी ऊपर वो आ ही जाता है सिस्टम और आपके जो जहाँ पे अभी पैचालीस पैंतालीस डिग्री का टेम्परेचर हो रहा था जिस जगह पे उस जगह पे एकदम जो है टेम्परेचर गिर जाता है एकदम से और ठंडी हवा चलने जाती है और जो है फिर एकदम से बारिश भी होना चालू हो जाती है लेकिन हल्की सी बचो बूंदा बांदी होकर या थोड़ी बहुत बारिश हो गया तो या तो हो सकता है कभी कभार बारिश भी ना होती है और एकदम से वही हाल हो जाता है गर्मी जो है चले जाते हैं वो बादल और नॉर्मल मामला वैसे का वैसा ये क्या था मतलब ये क्या होता है ये ठीक है ये होता है बच्चों आपके थंडर स्टॉम इसे हम कहते हैं थंडर स्टॉम समझ गए कभी कभार गई क्या होता है गर्मियों के दिनों में ये कोई मानसून थोड़ी है तो मानसून की बारिश थोड़ी हुई है अभी बारिश हुई भी अगर तो मानसून की बारिश थोड़ी है मानसून की बारिश तो जुलाई में चालू होती है ये तो मई में बारिश हुई है कभी कभार बच्चों क्या होता है बिकॉज ऑफ द वेरी हाई हीट ऑफ द सन ओके लोकलाइज लैंड पे ही है यहां पे बचो अपर कन्वेक्शन होने लग जाते हैं ओके okay. थोड़ा थोड़ा पानी है, यहाँ थोड़ा पानी है है यहां ठीक है ये पानी जो है है भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और ये ऊपर जाकर जो है बादल बन जाता है लोकलाइज्ड ठीक है और बचो ये जो लोकलाइज बादल है फिर हवा स्किन को जो है जहां पे भी ले जाती है उसी डायरेक्शन में चलता है और फिर जो है ये प्रेसिपिटेशन जो है करता है आपके और जो है इसमें एक चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिजली थंडर स्ट्रॉ ठीक है क्योंकि स्टॉर्म आए या ना आए उसका कोई पता नहीं थंडर जरूर आएगा आवाज जरूर सुनाई देगी आपको बिजली कड़कने की और आवाज बच्चों याद रखना पहले सुनाई देती है बाद में सुनाई देती है बि, बिजली पहले कड़कती हुई दिखती है इसका कारण बताए वो क्या है बिजली हमको जब भी दिखती है बिजली कड़की है बादलों में बिजली हमें पहले आंखें जो है पहले देख लेती है बिजली को और कान का जो है बाद में सुनते हैं आवाज़ बिजली कड़कने की उसका कारण क्या है पता है आपको क्योंकि बच्चों बिजली जो कड़कती है दैट इज बेसिकली लाइट एल आई जी एच टी लाइट की स्पीड जो है बच्चों तीन लाख मीटर प्रति सेकेंड है ठीक है इट इज़ वेरी हाई ओके और साउंड की स्पीड है बारह किलोमीटर ठीक है तो कहाँ तीन लाख और कहाँ बारह तो बच्चों इसलिए वो जो है आंख तक रोशनी जो है पहले पहुंच जाती है लेकिन कान तक जो आवाज़ है वो बाद में आती है इसलिए जो है थंडर जब अभी भी होता है बादल जब गरजते हैं ठीक है तो बिजली हमें पहले दिखती है ठीक है और जो है आवाज बाद में सुनाई देती है थंडर जो होता है वो बाद में सुनाई देता है ठीक है सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज इज यूजफुल फॉर यू ठीक है ये बच्चों आवाज आती कैसे है ये थंडर आता कैसे है ये ये आवाज़ प्रोड्यूस कौन से कौन कौन सा ढोल इतना बड़ा वहां पे रखा हुआ है कौन सा म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है उसमें से इतना बड़ा पूरा जो है खिड़कियां हिल जाती कई बार तो ऐसा क्या होता है ठीक है कैसे जो है ठीक वो नाम लेते ये भी आ गया ठीक है वार्निंग ओके तो बच्चों ऐसा क्या होता है कि जो है इतनी भयंकर आवाज आती है बादलों में से ठीक है मैं आपको बताता हूँ सिंपल सा जवाब है इसका ठीक है तो जब भी बच्चों बिजली गिरती है ठीक है बिजली प्रोड्यूस होती है जब भी बादल के अंदर ठीक है तो वो जो बिजली जो प्रोड्यूस होती है उसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है हजारों लाखों मिलियन ओके okay, हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस ठीक है थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है बहुत गर्म होती है मतलब बिजली ठीक है ना एक बार देखा भी हो कि बिल्कुल गिर जाए धरती पे तो कैसे आग लग जाती है भयंकर गर्मी होती है वो बिजली में ओके okay, भयंकर एनर्जी होती है जैसी वजह बिजली जब जनरेट होती है बादल के अंदर तो उसके आस जो एयर होती है ना इसके आसपास जो एयर होती है गाइस ये एयर बच्चों एक्सपैंड होती है बहुत सडनली बिजली गिरी बिजली बनी बिजली कड़की इस वजह से बच्चों बिजली के आसपास जितनी भी हवा थी तो बहुत जोर से जो है गर्म हो गई गर्म हो गई क्योंकि बिजली से ऑब्वियसली गर्मी है ट्रांसफर हो गई हवा में और बच्चों हवा जो है ये एक्सपैंड होती है क्योंकि गर्म चीज जब भी आप किसी भी गर्म करोगे एक्सपैंड होती है ऐसी बच्चों एयर भी जो है एक्सपैंड होती गर्म कर गरम अगर आप आपसे करोगे लेकिन यहाँ पे बच्चों ये माइक्रो माइक्रोसेकेंड में हो रहा है काम बहुत ही जल्दी से आप बहुत ही बड़ी एक ब्लॉक ऑफ एयर को जो है आप गर्म कर रहे हो बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग और ये हवा जो है फिर एक्सपैंड होती है और इस एक्सपेंशन की वजह से जो है हमको जो है ये आवाज जो है थंडर वो सुनाई देता है ठीक है तो वो जो थंडर स्टॉम ही क्या बताया जब बताया ही नहीं कि थंडर होता कैसे है थंडर जो है आवाज निकलती कैसे है ठीक है तो इसलिए आवाज निकलती समझ गए आप तो बिजली गिर रही है ये बच्चों बिजली गिरेगी तो इस ये बिजली जनरेट होगी ऊपर कहाँ पे भी हो ये अपने आसपास की जो हवा है उसको गर्म कर देगी भयंकर तरह से शक्ल ही से ही इतनी खौफनाक लग रही है ये ठीक है तो ये हवा सारी गर्म हो जाएगी और ये हवा गर्म हो जाएगी तो बच्चों एक्सपैंड होगी फटेगी ये दूर जाएगी ठीक है और इस एक्सपेंशन की वजह से जो है हमें आवाज सुनाई देती है थंडर की तुम ओके this is the reason i hope you got it if you did not got it then please ask me तो, तो जानते ही नहीं कौन है ये चलो जो भी अच्छा ही होगा I hope। ठीक है तो गई दिस इज दिस इज द थंडर स्टॉम्स देर लोकलाइज इवेंट बच्चों टोर्नाडो इनका ही थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन होता है ओके okay. टोर्डो में बच्चों क्या होता है ये ऊपर बादल जो गरज रहे हैं ठीक है थीके? ये सब बन रहे हैं वो सब ठीक है एक बच्चों एक, एक 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 पार्ट होता है ये जो है इस बादल से ऊपर का जो सिस्टम है इससे कनेक्ट हो जाता है और ये जमीन पे जो है चक्रवात ये टच हो जाता है ठीक है भारत में बच्चों टोर्नेडोज नहीं आते हैं एज सच इसलिए एनसीआरटी में भी इसके बारे में एक लाइन ही दे रखी है ठीक है लेकिन इसको ये नहीं कि हमारे एग्जाम के लिए इसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है लो प्रेशर एयर बहुत ही डाउन हो जाती है और वो एक कॉलम बना लेती है और ये सीधा ऊपर यू नो सिस्टम जनरेट हो जाता है यहां ऊपर जो है सक, सक होने लग जाता है ठीक है यहां से एयर जो है इधर जाएगी इधर जाएगी इधर डाइवर्ट जो इधर नीचे गिर जाएगी कहीं पर उधर नीचे गिर जाएगी कहीं पर ठीक है उधर नीचे गिर जाएगी कहीं पर उधर नीचे गिर जाएगी कहीं पर और यहां पर जो है जो जो हेयर है ऊपर आपके जाती रहेगी ठीक है ऊपर जाती रहेगी ठीक है तो ये सिस्टम जो एक सस्टेन सेल्फ सस्टेन जो है सिस्टम बन जाता है टोर्नाडो कैसे कहते हैं यूएसए में बहुत ज्यादा आते हैं ओके टोरनाडो एली करके एक जगह है जो मिड वेस्ट है यूएसए का ठीक है वहां पर सबसे ज्यादा टोर्नाडो आते हैं वहीं आते हैं बेसिकली ज्यादा तो टोर्नाडोज यहां पर इंडिया में तो एस नहीं आते हैं तो वो जो ये यूएसए है आपके लिए ठीक है तो वो जो मिड वेस्ट जो है यहां पर जो है इस जगह पे दुनिया के सबसे ज्यादा टोर्नाडो आते हैं टोर्नाडो एली ठीक है ए डबल एल -E ई वाई टोर्नाडो एली के अंदर जो है आते हैं आपके टोर्नाडोज ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं दैट इज द वॉटर इन एटमोस्फेयर दिस इज समथिंग वेरी सीरियस जो मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए जब यू नो बेसिक्स इसके यू नो यू डू लाइक यू शुड नो सम फंडामेंटल्स ऑफ वाटर इन एटमोस्फेयर ओके कुछ ऐसे कंसेप्ट जो यहाँ पर डिफिकल्ट भी लगेंगे आपको जैसे कि आप सोल्यूट यूमिडिटी क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है वगैरह वगैरह ठीक है ह्यूमिडिटी क्या होती है ठीक है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सीधा मुद्दे पे चलते हैं हम ठीक है सो ठीक है तो जो पानी जो है धरती पर तीन अवस्थाओं में रहता है मैटर जो है वैसी बेसिकली और धरती पर कहीं पर भी मैटर जो है तीन अवस्थाओं में रहता है ओके दैट इज अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस सॉलिड में जो है आइस कहते हैं हम okay, ओके पानी जब उसमें लिक्विड में होता है तो उसे फिर हम लिक्विड ही कहते हैं और गैस जो होता है उसे वाटर वेपर कहते हैं ठीक है सो पर्टिकुलरली बच्चों हमारा इंटरेस्ट जो है जहाँ इस चैप्टर जो फोकस कर रहा है वो बात कर रहा है उस पानी की जो आपके एटमोस्फेयर में रहता है ठीक है आप बोलोगे सर एटमोसफेयर में तो पानी कहाँ है मैं हाथ लगा रहा हूँ मेरा तो हाथ सूखा ही है कहाँ है पानी तो बचो पानी जो है वो गैस के फॉर्म में है तो आपके हाथ पे नहीं लगेगा उसके लिए आपको एक गिलास लाना पड़ेगा उसमें तो ठंडा कुछ ठंडा करना पड़ेगा उसको उस पर अपने आप जम जाएगा उस पर अपने आप आ जाएगा वो आपको उसको यू नो कुछ ढूंढ बुलाने की भी ज़रूरत नहीं अपने आप आ जाएगा वो इससे ये प्रूफ होता है कि बचो एटमोसफेयर में कहीं ना कहीं मेरे इस रूम के अंदर भी कहीं ना कहीं एटमोसफेयर के अंदर कुछ ना कुछ पानी मौजूद है इसका एग्जाम्पल हम सिंपल अगर देखना चाहें तो बच्चों आपने कई बार देखा होगा दिखाओ सी जो होता है नॉर्मल विंडो एसी या स्प्लिट ए जैसे मेरे लगा हुआ है ठीक है इसमें से बच्चों पानी निकलता है ये पानी बनाने की मशीन थोड़ी लगी हुई ए सी में इसमें कि पानी कैसे निकलता है ठीक है तो बच्चों पानी ए में में एक्चुअली गई तब निकलता है इसके अंदर बच्चों कॉइल्स होती है अंदर ए जो होता है आपका ओके इसके अंदर बच्चों कॉयल होती है अंदर ऐसे ठीक है वो बहुत ठंडी होती है हालांकि मैंने रेड कलर की बनाई है ये बहुत ठंडी होती है गैस क्योंकि चलती है इसमें ठंडी कंप्रेसर जो है उसकी वजह से ये बच्चों ठंडी जो आपके ये जो कॉयल होती है इस, इसमें क्या है हवा निकलती है इसके पार इसके पार होके गर्म हवा निकलती है ये वॉर्म एयर है जो आपके रूम में है ऊपर से सक कर रहा है ठीक है और बच्चों ये नीचे से आपको देता है ठंडी हवा ठीक है इस दौरान जब बच्चों गर्म हवा इन कॉयल्स पर टकराती है तो इन कॉय के बगल में जो है पानी की बूंदे जो है जम जाती है और यही पानी की बूंदे आपके एसी के जो ए का जो आउटलेट होता है उसमें से बाहर निकलती हैं यही पानी जो होता है वो एसी के बाहर जो है निकलता है ठीक है तो लाइक दिस हाउ द वाटर वर्क्स इन द एटमोस्फेयर ओके तो बच्चों ये जो पानी होता है हवा में इसको हम कहते हैं नमी ओ, आपके क्या कहते हैं हिंदी में यार नमी के उमस उमस ठीक है हिंदी में इसके लिए वर्ड है इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है ह्यूमिडिटी सो so वी से इट ह्यूमिडिटी ठीक है तो ह्यूमिडिटी वाइज हमको पढ़नी है आज ह्यूमिडिटी क्या होती है बाकी ये सब वर्ड्स आपको पता ही वैपोरेशन क्या होना मतलब पानी का भाप में बल बदल जाना लिक्विड का गैस में तब्दील हो जाना ट्रांसपरेशन पानी बचो पेड़ के पत्तियों से सत, पेड़ की सतह से वैपोरेट हो जाना ठीक है कंडेंसेशन दोबारा गैस में जो पानी है ठीक है दोबारा गैस में जो पानी है उसका दोबारा जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना कंडेंसेशन ठीक है और प्रेसिपिटेशन मतलब पानी का गिरना ऊपर से नीचे अब वो कैसे भी गिर सकता है ओले भी गिर सकते हैं रेनफॉल भी हो सकती है स्नोफॉल भी हो सकती है मिस्ट भी आ सकता है सबके लिए जोग्राफी में एक ही टर्म है ठीक है ओके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बच्चों क्या होती है वेट बाय वेट ठीक है वेट वेट ऑफ ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन एयर कॉलम मतलब हवा का जो भी वेट है उसमें पानी का कितना वेट है और हवा का कितना वेट है उसका रेशियो को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं ठीक है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे डे टू डे यूसेज में आता है वो होता है आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये बच्चों हमेशा परसेंट में होती है सिक्सटी परसेंट एट्टी परसेंट ठीक है नाइनटी परसेंट एटी सिक्सटी नाइनटी आर एच ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी ओके रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द फोकस ऑफ द क्लास फॉर टूडे बिकॉज इट इज वेरी मच यूज इन योर डे टू डे कंसेप्ट एंड इवन अगर आप अभी टेम्परेचर फॉरकास्ट देखोगे तो आपको बताएगा आज का टेम्परेचर कोई सा भी फ़ोन है आपके पास वो बताएगा आपका ये तापमान है अभी ये है इतना मैक्सिमम आज जाएगा इतना लोएस्ट जाएगा और आर भी ज़रूर बताएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूर बताएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है आपके पचास परसेंट है पचपन है साठ है तो बच्चों क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी सीधा सीधा हम ये क्यों नहीं कहते थे कि कितना परसेंट पानी है ये ये तो नहीं है कहीं कि कितना कि परसेंट पानी है हवा में ठीक है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है वॉट डज इट मीन मतलब मैं बोलू कि अगर आरएच नब्बे परसेंट है या आरएच है दस परसेंट है तो आप क्या समझोगे इससे ह्यूमिडिटी का क्या लेना देना है इसका और क्या कहना चाह रहा है जो फंडामेंटल्स okay. क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ठीक है ओके okay. तो इसके लिए यही सब बेसिक चीज बो पहले समझनी पड़ेगी ठीक है पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं ठीक है पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ओके okay. बच्चों ये एक हवा का टुकड़ा है ये भी बराबर है आप सबको रिप्लाई करना है कमेंट बॉक्स में ये एक हवा का टुकड़ा है ठीक है एक किलोमीटर साइज है वन के एम ये भी वन के एम है ओके और ये भी एक हवा का टुकड़ा है ठीक है ये भी सेम उतनी हवा है जितनी यहाँ थी इसका भी वन के एम साइज है एक किसका ठीक है बच्चों इसका जो टेम्परेचर है ठीक है इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो है 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस इसका जो टेम्परेचर है दैट इज योर 15 डिग्री सेल्सियस ठीक है इस हवा का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस जो है 35 डिग्री सेल्सियस सवाल ये है मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या बच्चों ये दोनों हवा जो है हवा के जो टुकड़े हैं या एयर मास कह लीजिए क्या ये दोनों एयर मास बराबर पानी होल्ड कर सकते हैं क्या में बराबर पानी होल्ड करने की कैपेबिलिटी है भाप बनाकर मतलब वाटर वेपर क्या दोनों में बराबर रहेगा या अलग रहेगा इक्वल रहेगा या डिफरेंट रहेगा बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट इक्वल इक्वल रहेगा पानी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी या अलग रहेगी ठीक है ये आपको बताना है तो बताइए ठीक है Yes. तो बच्चों और लोग भी बता सकते हो डिफरेंट यस वरीशा दिव्या इन सबने सही सही जवाब सही कहा बच्चों दोनों की जो कैपेबिलिटी है दोनों में जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट रहेगी इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें कोई शक नहीं है ठीक है बच्चों गर्म हवा जो होती है यानी कि यहाँ पर जो ये गर्म हवा है इसकी हमेशा बच्चों कैपैक क्यप, कैपेसिटी क्यप, ज्यादा होती है पानी को होल्ड करने की ठंडी हवा जो होती है उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है तभी तो हम कहते हैं ना सर्दियों में अपनी स्किन वगैरह ड्राई हो जाती है ऐसे फटने लग जाती है ओके ठंडी मतलब शुष्क हवा ड्राई कोल्ड और ड्राई चीज़ को एक साथ देखा जाता है क्योंकि बच्चों गर्म जो ठंडी हवा होती है वो पानी ज़्यादा कैरी कर करती करती ही नहीं है उसकी कैपेसिटी नहीं है कि ज़्यादा पानी वो कैरी कर सके अपने साथ में वो कम पानी कैरी कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्लॉक ऑफ़ द एयर ठीक है समझ गए तो ये आपको समझाना जरूरी है आपके लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझाने से पहले ठीक है ओके, ओके।, ओके? मान लीजिए बच्चों हम हम आप हम, हमें मतलब ही नहीं है हवा का क्या टेम्परेचर है हमें मतलब ही नहीं है हवा का क्या टेम्परेचर है हम तो बस यहां पर ये देख रहे हैं कि हवा है ठीक है मान लीजिए गई जिस हवा में हंड्रेड के जी पानी कैरी करने की क्षमता है ठीक है जो भी इसका टेम्परेचर है जो भी इसकी कंडीशन है अब सब आदमी की देखो कंडीशन अलग होती है ओके एक हट्टा कट्टा आदमी वो ज्यादा वजन उठा सकता है उससे भी हट्टा कट्टा आदमी वो और ज्यादा वजन वजन उठा सकता है और हट्टा कट्टा आदमी तो और ज्यादा पावरफुल होगा तो कमजोर है कोई तो ज्यादा लेबर नहीं ले पाएगा ठीक है अब मान लीजिए तो जो भी है जैसा भी ये कमजोर जो भी है वॉट हट्टा घट्टा ये जो है सौ किलो पानी जो है उठा सकता है ठीक है पानी जो है बच्चों हवा में मिल सकता है मतलब तो सौ किलो वाटर वेपर के फॉर्म में पानी इसमें जो है रह सकता है उड़कर गैस के फॉर्म में ओके लेकिन अभी इसमें जो है सिर्फ सिक्सटी के ही पानी है समझ हो कैपेसिटी उसकी सौ की है जैसे क्लास है मान लीजिए सौ सीटें क्लास में ठीक है लेकिन साठ ही भरी हुई है तो मतलब 40 बच्चे अभी और आ सकते हैं ऐसी बच्चों इस हवा में जो है अभी 100 के केजी की कैपेसिटी है पानी उठाने की ओके okay, 100 केजी गलत यूनिट ले ली मैंने 100 लीटर मान लीजिए आप ओके okay, 100 लीटर ये जो है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है गिवन टेम्परेचर पे लेकिन अभी इसमें साठ लीटर पानी ही है एयर के अंदर ठीक है तो गईज मैं ये कहूंगा कि जो आर है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60% है ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो सिक्सटी परसेंट है समझ गए ओके? अगर बच्चों ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड परसेंट हो जाए ठीक है अगर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी हंड्रेड परसेंट हो जाए तो मतलब आप ये समझ लीजिएगा अब बच्चों एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई है इसका एक अलग से वर्ड है जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड जितनी उसकी क्षमता है कितनी भी क्षमता हो सकती है अगर ये हवा को हम और गर्म कर दें इसी हवा को हम और गर्म कर दें तो बच्चों हो सकता है सौ लीटर की जगह इसकी क्षमता जो है डेढ़ सौ लीटर हो जाएगी ठीक है डेढ़ सौ लीटर हो जाएगी इट डिपेंड्स ऑन द डिपेंडरेचर ऑफ द गिवन एयर कॉलम लेकिन बच्चों जो भी इसका कैपेसिटी है अगर मैक्सिमम ने कर दी तो हम कहते हैं आर एच जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हंड्रेड परसेंट हो गई मतलब एयर जो है सैचुरेटेड हो गई अब भाई वो और पानी नहीं कर सकती है कैरी और बच्चों फिर वो जो है पानी गिरा देती है जिसको हम कहते हैं सिंपल जो आपने देखा है अपनी लाइफ में ड्यू ओस ओस की बूंदे ठीक है तो उसे हम कहते हैं बच्चों और जिस यू नो टेम्परेचर पे ये होता है ये जो है कन्वर्जन जो होता है इसे हम कहते हैं ड्यू पॉइंट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ठीक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं ड्यू पॉइंट और जो आपके इसका सैचुरेटेड एयर एंड द ड्यू पॉइंट ठीक है तो गई हमने सर्दियों में हम सबने देखा है कि किस तरह से रात को हम निकलते हैं सब कुछ नॉर्मल रहता है नौ दस बजे सर्दियों के दिन दिनों की बात कर रहा हूँ आने वाले हैं अब ठीक है और जब हम सुबह निकलते हैं गेट खोलते हैं खिड़की खोलते हैं तो हम देखते हैं बच्चों की ओस की बूंदे जो है पूरी जगह जो है वो जमी हुई होती हैं गीला हो चुके हैं अपनी गाड़ियों पे पत्तों पे रेलिंग पे ठीक है लेकिन बारिश कहीं पर भी हुई नहीं रात को ओके okay, एकदम से वो पानी कहाँ से आ जाता है कभी आपने सोचा इस बारे में ठीक है मैं आपको बताता हूं कहां से आता है वो पानी ठीक है मान लीजिए गई आप रात को गए बाहर घूमने और आपको हल्की फल्की ठंड लग रही है अपनी जैकेट में जो है बाहर घूम रहे हैं इस एरिया में आप हो इस एयर ये एयर कॉलम में आपका शहर यहीं पे है छोटा सा आपका शहर ये आपका शहर है ठीक है आ, नौ दस बजे आप गए अभी बचो तापमान था पच्चीस डिग्री सेल्सियस ठीक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी सिक्सटी परसेंट यानी कि इस हवा में अभी और क्षमता है चालीस परसेंट और यह जो है वाटर वेपर को कैरी कर सकती है ठीक है टाइम जो हो रहा है बच्चों अभी रात के बज रहे हैं नौ पीएम ठीक है PM, ये ये है अभी का सिनेरियो ठीक है अभी कोई ओस नहीं है कहीं पानी नहीं है ओके अब क्या हो गया रात में ऐसा सोते सोते कौन सा जादू हो गया कि भाई सुबह आप उठोगे तो आपको ओस जो है मिलेगी ठीक है अब गईस क्या होता है अब बच चुके हैं बच्चों सुबह के चार ए एम फोर ए एम ठीक है अभी सब सो रहे हैं ठीक है आई एस की तैयारी कर रहे हैं वो जग गए हैं बाकी सब सो रहे हैं फोर ए एम ठीक है अब बच्चों टेम्परेचर जो है पच्चीस था टेम्परेचर हो गया अप्रोक्सीमेटली बारह डिग्री सेल्सियस ऐसे रेंडम वैल्यू ले रहा हूं बारह डिग्री बचो पच्चीस से बारह डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना मतलब मतलब हवा जो रात को 25 डिग्री सेल्सियस में आप घूम के आए थे वही यही हवा अब इसका टेम्परेचर 12 डिग्री हो गया यानी कि बच्चों अब ये उत्ता पानी होल्ड नहीं कर सकती रात को जिसने जो जो होल्ड कर रखा था अब ये सिकुड़ गई है अब पानी जो है ये गिरा देगी 12 डिग्री हो गए तो कुछ ऐसा पॉइंट आया होगा कोई ऐसा टेम्परेचर आया होगा पर्टिकुलरली पंद्रह चौदह डिग्री ओके सोलह डिग्री ऐसा कोई टेम्परेचर आया होगा बच्चों जहाँ पर इसने सेचूरेशन अचीव कर लिया और इसने पानी जो भी ये कैरी कर रही थी इसने गिरा दिया और उस टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई होगी हंड्रेड परसेंट सेचूरेट हो गई है, और एक्स्ट्रा जो भी पानी था वो उसने गिरा दिया रेलिंग पे गाड़ी पे रोड पे छतों पे जहां पर भी सरफेस है कुछ भी वहाँ इसने जो है पानी गिरा दिया ऐसे हम कहते हैं कंडेंसेशन क्योंकि हम भाप जो है लिक्विड में तब्दील हो गई ये गैस होता है आरएच का मतलब तो यहाँ पे हमने कुछ नाम हमें ध्यान रखने हैं फर्स्ट इज ड्यू ड्यू मतलब जो ओस हमें दिखती है वो ओस दूसरा होता है बच्चों ड्यू पॉइंट कि कौन सा ऐसा पॉइंट आया होगा, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे रिलेटिव ह्यूमिडिटी सौ परसेंट हो गई होगी और जो ओस है जो हवा है वो पूरी जो है पानी में जो उसने पानी जो है छोड़ दिया उसे कहते हैं ड्यू पॉइंट किस टेम्परेचर पे पच्चीस डिग्री पे तो ये साठ था तो ऐसा क्या टेम्परेचर रहा होगा जिस पे ये सौ हो गया होगा आर एच और उसके बाद जो है ड्यू एग्जिस्ट हो गई ड्यू जो है बन गई ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन ऑल राइट दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट एंड द थर्ड टर्म इज सैचुरेशन सैचुरेशन मतलब यही एक हवा का अब हो जाना कि हाँ भाई अब मेरा मैक्सिमम लिमिट आ चुका है अब मैं और पानी अपने साथ कैरी नहीं कर सकती तो उसको जो है वो लिक्विड में जो है छोड़ देती इसे हम कहते हैं सैचुरेशन तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो बच्चों टेम्परेचर जो है काफी हद तक कंट्रोल करता है कितना पानी जो है हवा अपने साथ ले जा सकती है कितना पानी जो है हवा अपने साथ नहीं ले जा सकती ओके सो दिस इज द बेसिक थिंग कोई भी दिक्कत यहां तक अगर किसी को आई हो तो so प्लीज आप पूछिए ठीक है एनी प्रॉब्लम टिल हेयर प्लीज आस्क मी राइट एनी प्रॉब्लम टिल हेयर मॉइस्चर नहीं बढ़ता कैरी करने की कैपेसिटी बढ़ती कैरी कम कर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है ठीक है जैसे बच्चों यार मैं वो कैसे जैसे मैं इसके एग्जाम्पल दू अभी एग्जाम्पल ऐसे को ध्यान नहीं आ रहा ओके ठीक है तो जो टेम्परेचर कम होने से हवा की कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाती है समझ रहे हो जैसे मान ली ट्रक में आप ऐसे मान लीजिए ट्रक में जो है अभी एक टन सामान रखा हुआ है उसमें आठ टायर हैं ठीक है थीके? लेकिन धीरे धीरे क्या करें टायर आप हटाते जा रहे हो एक टन सामान तो एक टन ही है सामान तो एक टन ही है और हो सकता है उसमें और सौ दो सौ किलो सामान और भी आ जाए और ट्रक को कोई दिक्कत ना हो क्योंकि पहिए जो है अभी आठ लगे हुए हैं लेकिन आप क्या पहिए हटाते जा रहे हो धीरे धीरे अब आठ फिर छ ही रह गए अब छ के जो है पांच रह गए चार रह गए तो बच्चों फिर थोड़ी वो एक टन सामान उठा पाएगा फिर तो उसे गिराना पड़ेगा कुछ सामान वरना वो खुद ही पिचक जाएगा समझ रहे हो तो आ, तो ऐसे बचो एयर एक्ट करती है जैसे एयर जो है अगर ठंडी हो गई ज्यादा तो फिर वो उतना उत्ता नहीं कर सकती अपने साथ में उसको मॉइस्चर जो है शेड करना पड़ेगा और अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो बचो और कैपेसिटी बढ़ जाएगी वही ट्रक अभी जो है एक टन सामान ले जा रहा था आठ पहिए हैं और मान लीजिए मैंने उसमें सोलह पहिए लगा दिए तो दो टन सामान भी ले जा सकता है तो इट इज ऑल रिलेटिव इट इज़ ऑल रिलेटिव टू द प्रिवेलिंग टेम्परेचर टेम्परेचर जो है सारा कंट्रोल जो है टेम्परेचर के हाथ में है टेम्परेचर ठंडा है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पानी नहीं कैरी कर पाएगी एयर पानी शेड करने में ज़्यादा रहेगी वो और टेम्परेचर अगर गर्म है गर्म हवा जो है ज़्यादा पानी लेके चलती है हमेशा अपने साथ में ठीक है तो ये है बेसिक आपके फिनॉमिनास ठीक है तो बचो आज ही क्लास वैसे मेरे को आगे तक ले जानी थी बट आज मैं इधर ही रोक रहा हूँ क्लास क्योंकि बच्चे हमारे ज़्यादा दिख नहीं रहे मुझे क्यों दे आज जो है क्लास थोड़े अजीब से टाइम पे हो रही है कोई नहीं हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको और अभी कुछ दिनों बच्चों एक ही क्लास रहा करेगी आपके लिए फिर मैं आप कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आपके लिए तो फिर हम जो है अच्छी चीज़ कुछ पढ़ेंगे इसके बाद जो है आई विल टेल यू कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ ठीक है तो आज यही यहीं पॉज लेते हैं और ये सब आप जो है वह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ये और भी इम्पोर्टेंट है ठीक है सो क्लाउड्स वगैरह भी जो है आपके कल पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन क्या होता है फिर ये हम कल अच्छे से पढ़ने वाले हैं रेनफॉल किस किस तरह की होती है विल बी स्टडिंग ऑल दिस थिंग ओके ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह और उसके बाद ये टेम्परेचर जो उस चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा ठीक तो है तो वही चैनल से ड्यू पी ऑफिशियल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चों ऑफर लिमिटेड है लिमिटेड एकदम से लास्ट डेट आएगी कि लास्ट डेट है ऑफर की और ऑफ़र जो है खत्म हो जाएगा उससे पहले जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेकर जो है अपनी जो है सीट जो है रिजर्व कीजिए सी यू पी सी कोड यूज कीजिए और जो है आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन या आप आ, प्लस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लीजिए मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हो डिस्काउंट आपको भी बीस परसेंट मिलेगा वैसे जो है दस परसेंट मिलता है नॉर्मली तो ग्यारह हज़ार रुपये से लेके आप जो है तेईस हज़ार रुपये तक बचा सकते हो अपने डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन यू आर टेकिंग ओके बैसेज में बढ़ी अपने एक टाइम टेबल के साथ एक रेगुलरिटी के साथ एक फ्लो के साथ में ठीक है आप जो है ऑप्शनल अपना पढ़िए आप जो है हैडमी की जो है सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे तो जानते ही हैं टॉपर्स जो है का सब्सक्रिप्शन लेकर जो है उन्होंने एग्जाम क्लियर किया है पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पूरा सिलेबस बच्चों को कराया जाएगा एंड टू एंड यू नो विल बी देयर आई विल बी देयर मेरा कोड आप लगाओगे तो पर्सनली आपको उससे पता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो किसी भी कोड के साथ नहीं है ठीक है आपको बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सी से लेकर इंटरव्यू तक हर जगह आपका जो है, ध्यान रखा जाएगा और खासतौर तो पे ऑप्शनल जिसको बहुत लोग जो है नज़रअंदाज कर देते हैं ठीक है उस पर आपका जो है बहुत ही ज्यादा जो है अलग से जोर रहता है तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन आप लीजिएगा उसके लिए और सेड यू पीसी कोड यूज़ कीजिएगा ताकि आपको जो है बेस्ट टीम में रहो आप मेरी मेरे साथ में ठीक है ब्यरोक्राफ्स दो तो फ्यूचर की मेबरशिप आपको मिले टेलीफोनिक मेंटिंग मेंटरिंग गाइडेंस डिस्काउंट वैल्यू एडिशन वगैरह वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा ठीक है सो वॉट इज़ योर प्रॉब्लम यू कैन टेल मी फोकस पॉइंट अभी मैं हूं ठीक है तो बच्चों ये आपको शॉर्ट टेलीफोनिक वेंटरिंग गाइडेंस सी कोड से मिलती है सेड यूपीएससी कोड से सो बी यूज़ द बेस्ट कोड बी इन द बेस्ट टीम पांच बार मैंने एग्जाम क्लियर किया है उसका एक्सपीरियंस का आपको पूरा फायदा मिलेगा वैल्यूडेशन मटेरियल जो है आपको दिया जाएगा मेरी तरफ से भी जैसे मैं हर इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस पेपर्स वो मैं आपको दूंगा ठीक है और आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा मेरे से डायरेक्टली ठीक है, सो दैट इज द थिंग ऑल राइट ठीक है और लोन पे भी आप ले सकते हो सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत नहीं है ओके तो इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि मुझे लोन पे लेना है सी डी सी कोड लगाना है दे विल टेक केयर ऑफ योर डिटेल्स ओके सो ये आप ले सकते हो वो जो दो साल का या डेढ़ साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में बोलता हूँ हमेशा तो जरूरी भी है अकेडमिकली ऑल राइट इट ठीक है बोथ द टाइम्स आई मिसम फ्यू मार्क्स वॉट शुड आई डू आई एम आई फील आई मेन्स रेडी बट्स बिकम वेरी वेरी डाइसी आई थिंक यू शूड प्रैक्टिस समर्स रिग्रसली एंड इफ यू थिंक विटामिन दैट यू हैव नॉट कम्पलीटेड यूर सिलेबस तो यू कैन कम्पलीट यूर सिलेबस ऑन द सब्सक्रिप्शन लेके आप पढ़ सकते हो आप मेरी गाइडेंस में पढ़ सकते हो यू कैन कैन गेट द मैंटरिंग बस ओके ट एम ऑलवेज देयर फॉर सच हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हु you know lack लैक विद लैक टू क्लियर द कट ऑफ विद वेरी फ्यू मार्क्स तो मैं यही सलाह दूंगा आपको विटामिन कि आप जो है अपने मॉक पेपर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए वैल्यूडेशन पे ज़्यादा जो है काम कीजिए बेस वर्क आपने कर लिया है शायद और बेस वर्क में अगर लगता है कमी है तो सब्सक्रिप्शन लेकर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ सकते हो पोस्टल मिनिटरिंग में शेड्यू पे कोड यूज़ कर ठीक है गई सो गुड बाय टेक केयर आई होप क्लास वॉज इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल एज वेल चोल मी टुमारो टमारो दो क्लास विल भी हेल्ड एट थ्री पी एम ओनली तो तीन पी एम पे ही कल मिलेंगे ठीक है गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट